बुलढाणा जिले के शिंदे गुट के सांसद प्रताप राव जाधव को केंद्र ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि सांसद प्रताप राव जाधव को माहिती तंत्र ज्ञान विषय स्थायी समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। आपको बता दें कि इससे पहले अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर थे और उनके बाद में प्रताप राव जाधव को इस पद के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बुलढाणा के सांसद प्रताप राव जाधव ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए सचिन बांजे मातोश्री के लिए 100 खोके वसूल करता था ऐसी बात कही थी और जिसके बाद महाराष्ट्र में काफी हड़कंप मच गया। हालांकि इस बात को लेकर सांसद जाधव ने अपनी दी हुई टिप्पणी के बारे में कहते हुए बताया कि भाषण में मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मुझे और कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरी बात को गलत तरीके से पेश की गई है, ऐसी बात कहकर बात को घुमाने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन उनका अब इस पद के लिए अध्यक्ष चुने जाना यह शिंदे गुट के लिए एक बड़ी बात है।